आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं वो है कच्चे आम का मुरब्बा। आमतौर पर इसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है। अगर आपने आम का मुरब्बा बनाकर नहीं खाया तो आप जल्दी से बनाकर खाएं, ये बहुत ही मजे का बनता है और बड़े और छोटे सब इसको बहुत ही पसंद करते हैं। आए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने मीठे वाले थोड़े कलमी आम लिए हैं, बड़े साइज के। इनमें थोड़ी सी खटास कम होती है इसलिए हमने इनका इस्तेमाल किया मुरब्बे के लिए। इसे हम इस तरीके से पील ऑफ कर लेंगे। ये कच्चे आमों को हमने पील ऑफ कर लिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम इसकी गुठली निकाल लेंगे। इस तरीके से पीसीज में हम इसकी कटिंग करेंगे। मैंगो की हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है पीसीज में। आप अपने साइज की कटिंग कर सकते हैं जिस तरह की आप खाना पसंद करते हैं। ये बाकी सारे मैंगो की हमने कटिंग करके इसे 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था, क्योंकि हम इसे बॉईल नहीं करेंगे। हर किसी का बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। ये आप मेरी अम्मी की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंगो में से हमने पानी रिमूव कर दिया है। मैंगो को भिगोने का मकसद ये होता है कि इसमें थोड़ी सी खटास होती है वो भिगोने से ख़त्म हो जाती है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें सबसे पहले मैंगो को ऐड करेंगे। ये जो छोटे पीसीज हैं ये गुठली के साथ जो आम थे वो भी हमने निकाल लिए हैं ताकि ज़ाया ना हो। अगर 2 kg के करीब आप मैंगो लें तो इसमें 1 kg आप चीनी शामिल करें। अब 1/2 कप के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। चीनी को हम मिक्स करेंगे और फ्लेम को लो रखते हुए हम चीनी को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो हम इसे ऊपर से कवर करेंगे। इसमें मैंगो बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे क्योंकि हमने इन्हें पानी में भिगो कर रखा था, तो मैंगो अपना पानी भी रिलीज़ करेंगे। अब हम इसे इसी तरीके से पकने देंगे जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। 2 से 3 मिनट के बाद शीरा हमारा इसी तरीके से पकेगा। हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी या कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ही अच्छे से मैंगो पक जाएंगे। चीनी मेल्ट हो चुकी है मुकम्मल तरीके से, आप देख सकते हैं चीनी का शीरा बन गया है। अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे ताकि मैंगो जो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे ऊपर से कवर करेंगे और बाद में हम चेक करेंगे कि मैंगो कितने टेंडर हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसका ढकना उतार कर देखा है, हाफ मैंगो जो हैं वो डन हो चुके हैं। अब हम इसका ढकना उतार कर इसे खुला इसी तरीके से पकाएंगे और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक एक तार का शीरा तैयार ना हो जाए। अब हम इसमें 3 अदद इलायची डालेंगे ताकि बहुत खूबसूरत सा फ्लेवर आए, अच्छी सी खुशबू आएगी इससे। अगर आप हमारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से फॉलो करके बनाएंगे तो आप मुरब्बे को 1 ईयर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपका मुरब्बा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप देख सकते हैं हाफ मैंगो जो हैं वो डन हो चुके हैं, इसीलिए हम इसको ऊपर से कवर नहीं करेंगे, इसी तरीके से पकाएंगे ताकि शीरा जो है वो अच्छे तरीके से हमारा पक जाए। अब हम इसमें कुछ बादाम और किशमिश ऐड करेंगे और साथ ही कटा हुआ नारियल शामिल करेंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। मुरब्बे को तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं, अच्छे तरीके से पक चुका है। आप देख सकते हैं शीरा भी हमारा एक तार का तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1 अदद लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि मुरब्बे का शीरा जो है वो जमे ना, क्योंकि फ्रीज़र में रखने के बाद अक्सर उकात मुरब्बे में चीनी सी जम जाती है तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमने 1 अदद लेमन जूस ऐड किया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, मुरब्बा बिल्कुल तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह कच्चे आम का मुरब्बा बिल्कुल तैयार है। ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है खाने में उससे भी ज्यादा मजे का होगा। आप हमारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर आप इस तरीके से आम का मुरब्बा बनाएंगे तो आप 1 ईयर तक भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब हम आपको चेक करवाते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से पका हुआ है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।